नमस्कार, गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में बात करेंगे आपके राशिफल की, कैसा रहेगा आपका दिन और क्या कुछ उपाय आपको आज के दिन करने हैं, कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से और शुरुआत करते हैं मेष वृषभ मिथुन राशि के साथ। गोल्डन टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जानेंगे क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, साथ ही जानेंगे आपके दिन को गोल्डन डे बनाने वाले विशेष गुड लक टिप्स। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है, आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फास्ट इंडिया न्यूज राजस्थान पे ही दी जाती है। तो चलिए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल, जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, साथ ही जानेंगे राशि अनुसार समाधान। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज मकान, भवन, भूमि, प्लाट खरीदने का मन बनेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का आज प्लान बन सकता है, विचार बन सकता है। आज ध्यान रखिएगा, किसी से भी बड़े बड़े वादे करने से बचिएगा, जो आप पूरा कर सकते हो वही वादा कीजिएगा। और आज अपने किसी भी काम में आपको झूठ का प्रयोग नहीं करना है, चाहे आपका घर हो, परिवार हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी झूठ का प्रयोग आज आप नहीं करेंगे। आज के दिन समाधान क्या रहेगा, उपाय क्या रहेगा आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, बिस्कुट के पैकेट, कम से कम 5-7-11 बिस्कुट के पैकेट छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे क्या कहते हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज नए व्यापार की, नए बिजनेस की, नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी, प्लानिंग बनेगी, कुछ अच्छे थॉट्स आएंगे नए बिजनेसमैन के बिजनेस के लिए। व्यापार में नई ऊंचाइयां आज आप प्राप्त कर सकते हैं और बहुत दिनों से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान आज के दिन आपको हो सकता है। तो आज अलर्ट रहिएगा, जो भी सॉल्यूशन आए उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, तो आज घर से निकलते समय एक चम्मच दही खाकर घर से निकलिएगा, पूरा दिन शुभ रहेगा और पूरा दिन आपके अनुकूल बना रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कैरियर पर यथास्थिति बनाए रखनी होगी, पर्सनल लाइफ में भी यथास्थिति बनाए रखनी होगी, चेंज नहीं करना है और चेंज करने का प्लान भी नहीं मन में लाना है। जैसा आपकी नौकरी में चल रहा है वैसा आज उसको चलने दें, पर्सनल लाइफ जैसे चल रही है चलने दीजिए, आज कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए नुकसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का बदलाव, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, लाइफ के किसी भी सेक्टर का कोई भी बदलाव आज आपको नहीं करना है। अपने काम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा और अपने रिलेशंस के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। जितना समय आप अपने काम को देते हैं उतना ही समय आप अपने रिलेशंस को भी दीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, साबुत हल्दी की गांठ अपनी पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन शुभता का संचार होता रहेगा। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में राशि फल की बात हो रही है, आपको अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करना है पंडित जी आपको बता रहे हैं। और चलिए बात करते हैं कर्क सिंह कन्या की, उन्हें आज के दिन क्या करना है जान लेते हैं। बिल्कुल, आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज के दिन की शुरुआत सामान्य हो सकती है, जैसे नॉर्मल आपका दिन होता है वैसे आज का दिन है, लेकिन आज क्या होगा, भाग्य की अनुकूलता प्राप्त होगी और अपनों का सपोर्ट, अपनों का साथ आज आपको पूरे दिन प्रसन्न बनाए रखेगा। जब दिन अच्छा हो, भाग्य का साथ हो, अपनों का साथ हो, तो उस दिन का समय व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए।
आज आपके जो अधूरे काम हैं उन काम को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा और अपनी सेहत को लेकर आज आपको ध्यान रखना होगा। शाम का जो समय है आज आपको मानसिक अवसाद में डाल सकता है, डिप्रेशन में डाल सकता है, तो जो मन में बात है वो अपनों को कह डालिए, मन साफ हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, घर से निकलते समय एक गुलाब का पुष्प अपनी पॉकेट में रख दीजिएगा। पूरा दिन उस पुष्प को अपने पॉकेट में रखिएगा, क्या होगा, पूरा दिन कूल कूल बना रहेगा, शुभ बना रहेगा। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दिन भर काम में दौड़ भाग बनी रहेगी, व्यस्तता रहेगी, बिजी रहेंगे, प्रयास ज्यादा करने होंगे। आज इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट आज आपको नहीं करने हैं। ऐसा कोई काम जो शॉर्टकट कमाने का जो जरिया है उससे दूर रहिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब से दूर रहिएगा। किसी की गारंटी नहीं लेनी, कोई पैसा मांगने आए तो आज उसको पैसा उधार भी नहीं देना है। और किसी भी तरह का वाद हो, विवाद हो, तकरार हो, ऐसी जगह से अपने आप को दूर कर लीजिएगा। जहाँ कोई विवाद हो रहा हो, तकरार हो रहा हो, वहाँ से दूर हो जाइएगा। समाधान क्या रहेगा, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर नौकरी की बात करूं या बिजनेस की बात करूं तो दोनों ही सेक्टर के अंदर आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, लाभदायक है, अच्छा है। अपनी इनकम को बढ़ाने के जो आप प्रयास पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं उन एफर्ट्स को आज सक्सेस मिलेगी, वो प्रयास आपको सफल होते हुए नजर आएंगे, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान क्या रखना होगा, आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या आपके जो साथी कर्मचारी हैं उनसे किसी भी बात पे कहा सुनी से आज आपको बचना होगा, आर्गुमेंट से बचना होगा। उपाय क्या रहेगा, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिला के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन शुभता का संचार आपके होता रहेगा। तो दर्शकों, छह राशियों के बारे में पंडित जी से आपने जाना, और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि की। उन्हें आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करने हैं, चलिए जानते हैं। बिल्कुल, आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे आपकी। तुला राशि वाले दर्शक, आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, बिजनेस आज के दिन अच्छा रहेगा, करियर आज के दिन अच्छा रहेगा, दूसरों के साथ रिलेशंस में, संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा। आज अपने व्यक्तित्व को गोलमाल मत रखिएगा, जो भी बात कहें पूरी क्लियरिटी के साथ कहिए, स्पष्टता के साथ कहिए। आपके परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य आज बीमार हो सकता है तो अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी का भी आज आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या रहेगा आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, पीले रंग का रुमाल अपनी पॉकेट में रखिएगा, फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन शुभता का संचार होता रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन मेहनत से सफलता दिलाने वाला होगा। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितने एफर्ट्स आप डालेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। अगर आपने 50% मेहनत करी है तो 50% सफलता, 100% मेहनत करी तो 100% सफलता आपको मिलेगी। तो आज का दिन आपके ऊपर है, अगर गोल्डन डे बनाना है तो मेहनत कीजिए, और अगर उसको बेकार बनाना है तो आलस्य करके घर पे सोते रहिए। आज का दिन अच्छा भी है, किन कामों में, जितने भी आपके रुके हुए जो काम है वो आज पूरे हो सकते हैं, इसलिए जो आपका जो आलस्य है उसको अपने घर के कमरे में बंद करके ताला लगा के और घर से निकल जाइए सुबह सुबह, क्योंकि आज आपके पिछले इतने दिनों से जो रुके हुए काम थे, अड़चने थी, वो आज दूर होने जा रही है। तो सही दिशा में नए तरीके से प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम पूर्ण होंगे। बिजनेस में रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, तो फोन उठाइएगा और जिनसे आप पैसा मांगते हैं आज उनको एक बार कॉल कीजिए, निश्चित तौर पर शाम तक आपके पास आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। उपाय क्या रहेगा, 5 केलों का दान, कम से कम 5, ज़्यादा करें तो अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चे कहीं दिख जाए तो 5 केले का दान बच्चों में कर दीजिएगा,
निश्चित तौर पर पूरा दिन शुभता से भरा रहेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे ये कहते हैं कि कोई पुरानी समस्या, कोई पुरानी तकलीफ, कोई पुरानी बीमारी आपको आज परेशान कर सकती है। आपके लाइफ से, आपके कैरियर से जुड़े जो अनसुलझे सवाल हैं, ऐसे जो मैटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो मैटर्स हैं, उन पे पूरी तरीके से सोच विचार कर ही आज कदम उठाइएगा। जोश के साथ होश बनाए रखिएगा और विशेष तौर पर छोटी छोटी बातों पे आज आपको गुस्सा नहीं करना है। डोंट गेट टू बी एग्रेसिव टूडे। कूल रहिएगा, शांति से दिन गुजारिएगा। उपाय क्या रहेगा? दही का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरा दिन शुभता का संचार होता रहेगा। और दर्शकों, बात करते हैं अंतिम तीन राशि यानी कि मकर, कुंभ, मीन की। उन्हें अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको उन्नति के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। शानदार दिन है, पूरा लाभ उठाइएगा। घर मत बैठे रहिएगा, बाहर निकलिए, क्योंकि सफलता आज आपका इंतजार कर रही है। अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में, अपने बोलने के तरीके में अति मत कीजिएगा, एक बैलेंस संतुलन बनाए रखिएगा। जाते समय थोड़ा सा शहद मुंह में रख लीजिएगा। अमरूद के फलों का दान कीजिएगा आज के दिन को शुभ बनाने के लिए। निश्चित तौर पर पूरा दिन आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे ये कहते हैं कि अगर कोई आपकी निंदा करता है, आपके लिए कोई गलत बोलता है, आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो उसकी निंदा को अपने दिल से नहीं लगाना है। सुनिए, हो सकता है हमें कुछ कमी हो, उसकी निंदा से कुछ सीख कर हम अपनी कमी को ठीक करें। और अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिए, जिस दिन अपना अच्छा समय आएगा उस दिन हम उसको जवाब देंगे। अपनी मेहनत में, अपने हार्डवर्क में कोई कमी मत आने दीजिए। कहते हैं कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। कुछ भी लिखा हो भगवान ने आपकी किस्मत में, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो उस लिखे को भी बदल सकते हैं। तो अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। उपाय क्या रहेगा? घर से निकलते समय जहाँ पक्षी दिख जाए, एक 10 रुपये का दाना खरीद के पक्षियों को दाना खिला के फिर अपने नौकरी व्यापार पे जाइएगा, पूरा दिन आपके शुभता का संचार होता रहेगा। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, आत्मविश्वास अप एंड डाउन होगा। तो वर्किंग एरिया में, विशेष तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में या अपने बिजनेस में, अपने कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर कोशिश करेंगे, अगर प्रयास करेंगे, अगर हार्डवर्क करेंगे तो किस्मत आपके फेवर में हो सकती है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। कोई लंबी यात्रा पर अगर जाने का कोई ऑप्शन आता है तो आज मना कर दीजिएगा, लंबी यात्रा पर जाने से बचिएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय क्या रहेगा आज के दिन को शुभ बनाने के लिए? सफाई कर्मचारी को एक 10 रुपये का दही का पैकेट भोजन में दे दीजिएगा, लंच टाइम में दे दीजिएगा। क्या होगा? पूरे दिन आपके ऊपर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद बना रहेगा, आपका पूरा दिन शुभता का संचार करता रहेगा। दर्शकों, आज का राशिफल आपने पंडित जी से जाना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज गुड लक टिप्स में पंडित जी आपको बता रहे थे दैनिक राशिफल। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की। सेहत से जुड़े, अगर आपको पढ़ाई में समस्या है या कर्ज से परेशान है, जो भी आपकी तमाम समस्या है, उनके लिए कौन से गुड लक टिप्स आपको आज फॉलो करने हैं, चलिए जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल, सुखमय बनाने वाले हमारे स्पेशल गुड लक टिप्स के बारे में। तो आज का पहला गुड लक टिप्स आपकी हेल्थ से जुड़ा है, आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी बीमारी से जुड़ा है। क्या करना है आज?
चने की दाल में लौकी डालकर, चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा। तो क्या होगा आज, चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन करने से स्किन एलर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर त्वचा से संबंधित बीमारी है तो आप चने की दाल का सेवन कीजिएगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 11 केले खरीद लीजिएगा, साईं मंदिर में चढ़ाकर बाहर जो छोटे छोटे बच्चे हो उनको एक एक केला दे दीजिएगा और साथ में एक एक रुपए का सिक्का भी दे दीजिएगा। क्या होगा, आपके एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में से 100 नंबर आपको प्राप्त होंगे। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा है, धन आगमन से जुड़ा है, आपकी वेल्थ से जुड़ा है। क्या करना होगा, एक दाल की कचौरी आप खाते हैं ना, वैसी एक दाल की कचौरी लीजिएगा, उस पर थोड़ी सी हरे धनिये की चटनी डालकर हमारी गौ माता को खिला दीजिएगा। दाल की कचौरी, उस पर थोड़ी सी चटनी हरे धनिये की और गौ माता को खिलाइएगा। क्या होगा आज के स्पेशल गुड लक टिप्स से, बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलेगा आपको। आज का गुड लक टिप्स आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, नौकरी से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है। क्या करना है आज, आज नौकरी में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने ऑफिस की दराज में या अपने शोरूम के कैश काउंटर में एक आंवले का फल रखिएगा, आंवले का फल रखिएगा और शाम को निकलते समय उस आंवले के फल को आपको खा लेना है, सेवन कर लेना है। क्या होगा, नौकरी व्यापार में मनचाही सफलता आज आपको प्राप्त होगी। आज का गुड लक टिप्स आपके मैरिज रिलेशनशिप से जुड़ा है, सुखी विवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या करना है, यदि आज आप पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो आज अपने बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, पीली रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, अपने डबल बेड पे पीले रंग का चादर बिछाइएगा। निश्चित तौर पर आज आप पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, रिलेशंस अच्छे रहेंगे, तू मैं से मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स आपके घर की सुख शांति समृद्धि बरकत से जुड़ा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो तो आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी जो आप खाने में काम में लेते हैं, एक एक चुटकी उसका छिड़काव दरवाजे के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ कर दीजिएगा। आपके घर में तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रवेश नहीं होगा, गरीबी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा, शुभता का संचार होगा, सुख शांति समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। तो दर्शकों, गुड लक टिप्स आपने पंडित जी से जाने और बात करते हैं आज के दिव्य मंत्र की। क्या रहेगा आज का दिव्य मंत्र, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं आज के दिव्य मंत्र की। एक दिव्य मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इस दिव्य मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर उसका विधि लाभ मैं आपको समझा दूंगा। दिव्य मंत्र जो रहेगा, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। एक बार मैं वापिस आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, बड़ा सरल सा सूक्ष्म सा मंत्र है, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। लाभ क्या है इस मंत्र की, दोस्तों अगर आपको लगता हो कि आप जितना पैसा कमाते हैं वो पैसा हारी बीमारी में निकल जाता है, घर में बरकत नहीं होती है, महीना गुजरा नहीं उससे पहले तो हम ठनठन गोपाल हो जाते हैं, पैसों की कमी के कारण हमारे बहुत सारे काम पूर्ण नहीं हो पाते हैं, हम चाहते तो हैं कि हमारी इनकम बढ़े, हमारी आमदनी में वृद्धि हो, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले, तो हम क्या करें। तो आप अगर अपने इनकम में वृद्धि करना चाहते हैं, बरकत करना चाहते हैं, जमा पूंजी में बरकत हो, जो पैसे कमाते हैं उसमें बरकत हो, आपका बैड लक गुड लक में कन्वर्ट हो,
तो इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना है, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में आप पीले वस्त्र धारण कर लें, अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं, पूजा स्थान पर बैठ के उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें, भगवान विष्णु का श्री हरि का ध्यान कर लीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर लड्डू गोपाल घर में हो तो उनको स्नान करवाइए, गुनगुने जल से अलग अलग प्रकार के फलों के रस से स्नान करा के पीत वस्त्र पहनाकर जनेऊ अर्पण करके और केसर या भात का भोग लगाकर इस मंत्र का जाप करो, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, और फिर आरती पुष्पांजलि करो, जो केसरिया भात का भोग लगाया उसका प्रसाद ग्रहण करके फिर आप घर से निकलो। आप देखिएगा सफलता आपके कदमों को चूमेगी, आपके पैसों में बरकत होने लगेगी, आपका बैड लक गुड लक में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दर्शकों, पंडित जी से आज आपने दैनिक राशि फल जाना, साथ ही पंडित जी ने बताया आपको आज के गुड लक टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं। पंडित जी आप स्टूडियो में आए और दर्शकों को ये तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, ये सारी जानकारी जो पंडित जी ने आज आपको दी है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और फॉलो करते रहिए। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।